हेलो एवरीवन, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज जिन टीमों की हम प्लेइंग 11 बनाने वाले हैं उनमें शामिल हैं आईपीएल इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस और आईपीएल ऑक्शन के बाद एक नए रंग रूप में नजर आ रही पंजाब किंग्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल इतिहास में 5 खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस के बारे में। तो दोस्तों, इस साल मुंबई इंडियंस एक अलग ही स्ट्रेटजी के साथ ऑक्शन में उतरी, जहां दोस्तों मुंबई इंडियंस ने पहले दिन अपने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को वापस हासिल करने के लिए लगभग 15 करोड़ की कीमत चुका दी। इसके बाद दोस्तों मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया। ऐसे में दोस्तों इस साल मुंबई की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन से पहले रोहित शर्मा को 16 करोड़, जसप्रीत बुमराह को 12 करोड़, सूर्य कुमार यादव को 8 करोड़ और कायरन पोलार्ड को 6 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। इसके बाद दोस्तों ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने कई बड़े खिलाड़ियों को बड़ी रकम में हासिल किया है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आने वाले सीजन में मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो दोस्तों, जो खिलाड़ी इस टीम के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं वो होंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अपने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को वापस करने के लिए एक बड़ी रकम चुकाई है। इसी वजह से दोस्तों आने वाले सीजन में मुंबई इंडियंस को अपने इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज से काफी उम्मीदें होंगी और वो चाहेगी कि ईशान किशन अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करें। अब बात करते हैं इस टीम के मिडल ऑर्डर की। तो दोस्तों, जिन खिलाड़ियों को इस टीम के मिडल ऑर्डर में जगह मिल सकती है वो होंगे युवा तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से लगातार शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में दोस्तों आने वाले सीजन में मुंबई इंडियंस को भी अपने इस अनुभवी खिलाड़ी से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं इस टीम के ऑलराउंडर्स की। तो दोस्तों, आने वाले सीजन में जिन ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस की टीम में जगह मिल सकती है वो होंगे कायरन पोलार्ड, टिम डेविड और फेबियन एलन। दोस्तों, इस साल मुंबई इंडियंस के अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को टीम ने रिटेन नहीं किया था, जिसके बाद टीम को एक मैच विनर ऑलराउंडर की जरूरत थी, जिसके बाद उन्होंने सिंगापुर के लिए खेलने वाले टिम डेविड के लिए बड़ी बोली लगाई। दोस्तों, ये खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने में भी माहिर है। ऐसे में दोस्तों इस साल मुंबई इंडियंस को उम्मीद होगी कि टिम डेविड वो काम दोहराने का प्रयास करे जो कि एक समय उनके लिए हार्दिक पांड्या किया करते थे। अब बात करते हैं इस टीम की गेंदबाजी की। तो दोस्तों, जिन गेंदबाजों को मुंबई इंडियंस के लिए खेलने का मौका मिल सकता है वो होंगे टाइमल मिल्स, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह और जयदेव उनदकट। दोस्तों, इस साल मुंबई इंडियंस को उतने अच्छे गेंदबाज नहीं मिले हैं जितने उनके पास पिछले सीजन में हुआ करते थे। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के धाकड़ गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में शामिल किया है, लेकिन वो चोट के चलते इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में दोस्तों मुंबई की टीम को इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाज टाइमल मिल से काफी उम्मीदें होंगी कि वो अपनी टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी करें और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी इस वीडियो की दूसरी टीम पंजाब किंग्स की। दोस्तों, पंजाब किंग्स पिछले कुछ सालों से ऐसी टीम रही है जो अक्सर पॉइंट्स टेबल के लोअर मिडिल हाफ में फिनिश करती है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल भी पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ तक पहुंचने में नाकाम रही थी। इसके बाद दोस्तों इस साल रिटेंशन से पहले पंजाब किंग्स के अनुभवी कप्तान केएल राहुल ने कुछ विवादों के चलते रिटेन होने से मना कर दिया, जिसके बाद दोस्तों पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ और अर्शदीप सिंह को 4 करोड़ देकर रिटेन किया। इसके बाद दोस्तों इस साल पंजाब किंग्स के पास आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़ा पर्स था, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और इस साल एक ऐसी टीम खड़ी की है जो कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल की सबसे मजबूत टीम बन सकती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आने वाले आईपीएल के सीजन में कौन से 11 खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए मैदान पर उतर सकते हैं। तो दोस्तों, जो खिलाड़ी इस टीम के लिए पारी की शुरुआत कर सकते हैं वो होंगे मयंक अग्रवाल और शिखर धवन। दोस्तों, शिखर धवन पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने दिल्ली के लिए काफी रन बनाए थे। दोस्तों, शिखर धवन आईपीएल इतिहास के एक सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं जो कि हर साल अपने बल्ले का जलवा दिखाते हैं। ऐसे में दोस्तों इस साल पंजाब किंग्स की टीम दिल्ली कैपिटल्स के एक अनुभवी बल्लेबाज को अपनी टीम की कमान भी सौंप सकती है। अब बात करते हैं इस टीम के मिडल ऑर्डर की। तो दोस्तों, इस समय पंजाब किंग्स का मिडल ऑर्डर टूर्नामेंट का सबसे मजबूत मिडल ऑर्डर नजर आ रहा है। जो बल्लेबाज इस टीम के मिडल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टन और शाहरुख खान।
दोस्तों ये तीनों ही खिलाड़ी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अगर दोस्तों ये तीनों बल्लेबाज अपनी शानदार फॉर्म में हुए तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए इनके सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों पंजाब की टीम को अपने इस तीनों बल्लेबाजों से शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं इस टीम के ऑलराउंडर्स की। तो दोस्तों ऑलराउंडर के तौर पर जिन खिलाड़ियों को इस टीम में खेलने का मौका मिल सकता है वो होंगे ओडियन स्मिथ और ऋषि धवन। दोस्तों वेस्ट इंडीज के शानदार हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी ओडियन स्मिथ ने हाल ही में खेली गई भारत के खिलाफ सीरीज में अपने बल्ले का जलवा पूरी दुनिया को दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, ओडियन स्मिथ निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मध्यम गति से गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आने वाले सीजन में पंजाब किंग्स को अपने इस कैरेबियन ऑलराउंडर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं इस टीम की गेंदबाजी की। तो दोस्तों आने वाले सीजन में जो खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं वो होंगे हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा और राहुल चाहर। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों कगिसो रबाडा ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक लाजवाब प्रदर्शन किया है और बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। ऐसे में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम को अपने इस गेंदबाज से काफी उम्मीदें होने वाली हैं कि आने वाले सीजन में कगिसो रबाडा अपने टीम के लिए उसी लय को बरकरार रख सकें। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये होंगी मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस टीम में कोई बदलाव हो सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके अलावा आप भी हमें अपनी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाकर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के लिए बने रहें क्रिकेट एडिक्टर के साथ।